हैं कि बॉलीवुड में इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है, जहां एक तरफ सोनम कपूर, अनुष्का शर्मा, नेहा धूपिया, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, ये सारी हसीनाएं शादी के बंधन में बंध चुकी हैं, तो वहीं अब ऐसा लग रहा है कि अगला नंबर बॉलीवुड की सबसे क्यूट और टैलेंटेड एक्ट्रेस आलिया भट्ट का है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट सुगन और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस और टैलेंटेड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के बारे में और उनके र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड और बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर काफी ज्यादा बिजी है। ये दोनों इस फिल्म में पहली बार साथ नजर आने वाले हैं, पहली बार इन दोनों की ऑन स्क्रीन रोमांस देखने को मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि जब से इन दोनों ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू की है, तभी से इन दोनों के प्यार के चर्चे खूब आसमान छू रहे हैं। हर कोई बस यही कह रहा है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि आलिया भट्ट कॉफी विद करण में भी इस बात का ऐलान कर चुकी हैं, इस बात को कबूल चुकी हैं कि वो रणबीर कपूर को काफी ज्यादा पसंद करती हैं। तो वहीं अब जहां एक तरफ बॉलीवुड में शादियों की लाइन लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आलिया भट्ट की शादी की भी खबरें खूब आसमान छू रही हैं। और अब तो आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट ने भी काफी ज्यादा इन दोनों की शादी पर एक मोहर लगा दी है। महेश भट्ट ने भी एक काफी बड़ा बयान दिया है, जो वाकई काफी ज्यादा चौंकाने वाला था, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं महेश भट्ट भी यही चाहते हैं कि आलिया और रणबीर दोनों शादी कर लें। वेल, अब ऐसा लग रहा है कि अगला नंबर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का ही है। तो फिर बिना देरी किए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और देखिए कि आखिरकार ये पूरा माशरा क्या है। बॉलीवुड में आए दिन ब्रेकअप और पैचअप की खबरें सामने आती ही रहती हैं। वहीं आपको बता दें कि आए दिन नए लव बर्ड्स बनते हैं और आए दिन रिश्ते टूटते हैं। और इन दिनों बॉलीवुड के नए लव बर्ड्स जो हैं, वो हैं बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, जिन्हें बॉलीवुड का चॉकलेटी बॉय कहा जाता है। हालांकि आपको बता दें कि रणबीर कपूर का नाम किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ ये पहली बार नहीं जुड़ा। इससे पहले भी रणबीर कपूर बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस और टैलेंटेड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को डेट कर चुके हैं और दबंग सलमान खान की चहेती कैटरीना कैफ को भी डेट कर चुके हैं। और इन दोनों को ही कहीं ना कहीं कहा जाता है कि रणबीर कपूर ने धोखा दे दिया है और अब वो आलिया भट्ट को डेट कर रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि जहां पिछले काफी वक्त से इन दोनों की शादी को लेकर काफी खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं अब आलिया भट्ट के पिता और बॉलीवुड डायरेक्टर महेश भट्ट ने भी इन दोनों के रिश्ते पर कहीं ना कहीं मोहर लगा दी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इन दिनों खूब चर्चा में हैं। दोनों अपनी लव लाइफ के चलते खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। जल्द ही दोनों फिल्म ब्रह्मास्त्र में साथ नजर आने वाले हैं। इन दिनों इस फिल्म की शूटिंग में ये दोनों काफी ज्यादा बिजी हैं। बेटी के प्यार की खबरों के बीच अब पापा महेश भट्ट का बयान सामने आया है, जिसमें महेश भट्ट ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के रिश्ते पर खुलकर बात की है और कहीं ना कहीं इन दोनों के रिश्ते को ऑफिशियल भी कर दिया। जी हाँ, खबरों की माने तो एक इंटरव्यू के दौरान महेश भट्ट ने ये कह डाला है कि हाँ, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, आगे महेश भट्ट ने कहा कि मैं रणबीर कपूर को पसंद करता हूँ, वो एक बहुत अच्छा लड़का है। उनके रिश्ते को लेकर लोग जो भी अंदाजा लगा रहे हैं, उनको ये काम करने दो। इतना ही नहीं, महेश भट्ट ने ये भी बताया कि दोनों को अपने रिलेशनशिप को आगे किस तरह से बढ़ाना है, इस पर वो ही फैसला लेंगे। वहीं जब दोनों की शादी के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि शादी करना ये फैसला दोनों का अपना है, जब दोनों का मन होगा तब शादी करेंगे, इसके लिए आपको अभी काफी इंतजार करना पड़ेगा।
आपको बता दें कि महेश भट्ट के इस बयान के बाद ये तो साफ है कि परिवार वालों को कोई परेशानी नहीं है इन दोनों के रिश्ते से। आपको बता दें कि इन दिनों ये दोनों फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग में तो काफी ज्यादा बिजी ही हैं। फैंस जहां एक तरफ इन दोनों को फिल्म ब्रह्मास्त्र में देखने के लिए काफी ज्यादा उतावले हैं, तो वहीं इन दोनों को शादी होते हुए भी देखना चाहते हैं। जहां एक तरफ बॉलीवुड में शादियों का सीजन चल रहा है, एक के बाद एक बॉलीवुड एक्ट्रेस शादी के बंधन में बंधती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं अब फैंस को इंतजार है आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के रिश्ते का। वेल, जहां एक तरफ इन दोनों की शादी की फैंस दुआ मांग रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जो रणबीर कपूर को लेकर ऐसा कह रहे हैं कि जैसे रणबीर कपूर ने कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण को धोखा दिया था, वैसे ही वो आलिया भट्ट को भी धोखा दे देंगे। वेल, हम यही उम्मीद करेंगे कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का रिश्ता धोखे में ना बदले और ये दोनों अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से पति पत्नी बन जाएं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ आलिया भट्ट का रिश्ता कपूर परिवार से काफी अच्छा है, तो वहीं रणबीर कपूर का रिश्ता भट्ट परिवार से काफी अच्छा है। ये दोनों ही एक दूसरे के तो करीब हैं ही, लेकिन साथ ही साथ इन दोनों के परिवार वाले भी एक दूसरे के बेहद करीब हैं। वहीं अगर बात की जाए रणबीर कपूर के परिवार वालों की, तो आपको बता दें कि रणबीर कपूर पिछले काफी वक्त से न्यूयॉर्क में अपनी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं और ऐसा माना भी जा रहा है कि आलिया भट्ट न्यूयॉर्क अपने होने वाले ससुर ऋषि कपूर से मिलने भी पहुंचे थे। ऋषि कपूर न्यूयॉर्क में हैं और आलिया भट्ट अपने ससुर का ख्याल रखने पहुंची थी। कपूर, जी हाँ, रणबीर कपूर की माँ नीतू कपूर भी आलिया भट्ट के बेहद करीब हैं और नीतू कपूर के साथ रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों की ही कई सारी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतू कपूर आलिया भट्ट को बहू के रूप में कहीं ना कहीं स्वीकार कर चुकी हैं। ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर भी इन दिनों अपने पति के साथ न्यूयॉर्क में ही हैं। पिछले दिनों रणबीर मुंबई में ही हैं, जहां वो शमशेरा ब्रह्मास्त्र की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और मौनी रॉय भी अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देने वाले हैं। करण जौहर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और आयान मुखर्जी इस फिल्म के निर्देशक हैं। पहले 15 अगस्त 2019 को फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज होनी थी, लेकिन हाल ही में इसकी रिलीज डेट टाल दी गई है। अब ये फिल्म अगले साल क्रिसमस के अवसर पर रिलीज होगी। आपको बता दें कि फैंस अब इन दोनों की फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पहला मौका होगा जब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की लव स्टोरी, इन दोनों का रोमांस पहली बार स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पर्दे के पीछे की बात की जाए, तो आपको बता दें कि पर्दे के पीछे आए दिन ये देर रात एक दूसरे के साथ स्पॉट किए जाते हैं। कभी आलिया भट्ट रणबीर कपूर के घर स्पॉट की जाती हैं, तो कभी रणबीर कपूर आलिया भट्ट के घर स्पॉट किए जाते हैं। तो वहीं कॉफी विद करण में भी हाल ही में कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट मौजूद हुई थी। वहीं आपको बता दें कि कॉफी विद करण के दौरान भी आलिया भट्ट ने इस बात का खुलासा किया था कि वो रणबीर कपूर को काफी ज्यादा पसंद करती हैं और आलिया भट्ट के साथ रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण भी मौजूद हुई थी, जहां पर इन दोनों ने कई बड़े राज खोले और आलिया भट्ट ने इस बात को भी स्वीकारा था कि वो रणबीर कपूर के बेहद करीब है और शायद अब जल्द ही शादी भी कर सकती हैं। जी हां, जिस तरीके से आलिया भट्ट ने शो में रणबीर कपूर को लेकर कई सारे किस्से शेयर किए, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आलिया भट्ट रणबीर कपूर को बेहद पसंद करती हैं और उनसे शादी भी रचाना चाहती हैं। वेल, अब तो इन दोनों के रिश्ते पर महेश भट्ट ने भी मंजूरी दे ही दी है। अब उन्होंने भी कह ही दिया है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जब इनका मन हो ये तब शादी कर सकते हैं। वेल, अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये दोनों शादी कब करते हैं, लेकिन महेश भट्ट के बयान से ऐसा लग रहा है कि अब कपूर परिवार और भट्ट परिवार में जल्द ही शादी की शहनाइयां गूंज सकती हैं। वेल, दोस्तों, तो देखा आपने कि किस तरीके से महेश भट्ट ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि भाई ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जब इनका मन होगा तब ये दोनों शादी कर लेंगे। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दोनों ही जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं।
लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए हमें दे दीजिए इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का फिलहाल के लिए यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ और बॉलीवुड से जुड़ी कुछ ऐसी ही मजेदार खबरों के साथ। अब तक के लिए बॉलीवुड की और भी चटपटी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।